अंबानी के संन्यास का संयोग धोनी और गांगुली वक्त के पहिए में घूमते हुए भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एसके न्यूज 9 के इस नई वीडियो में। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि महेंद्र सिंह धोनी और सुरेश रैना ने 15 अगस्त शाम 7:29 पर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिए हैं। दोस्तों, जब धोनी कप्तान बने और भारतीय क्रिकेट टीम में छाए तब सौरभ गांगुली हाशिए पर गए और विदा हुए। आज धोनी विदा हो रहे हैं और सौरभ गांगुली भारतीय क्रिकेट टीम के प्रशंसक की कमान संभाल रहे हैं। दोस्तों, सौरभ गांगुली और महेंद्र सिंह धोनी ये सिर्फ दो ही नाम नहीं बल्कि भारतीय क्रिकेट टीम की पहचान हैं। दादा ने जहां हाशिए पर चल रही टीम को संवारा, नए खिलाड़ी तरह से उन्हें लड़ना सिखाया, तो महेंद्र सिंह धोनी ने उन्हें प्लेइंग 11 में जान फूंक कर कामयाबी की बुलंदियों तक पहुँचाया। इसे संयोग कहा जाए या किस्मत का फेर, अलग अलग समय पर टीम की कमान संभालने वाले दोनों ही चैंपियन ईस्ट जोन से आते हैं। दोस्तों, जब सौरभ गांगुली का सूरज अस्त हुआ तो टीम इंडिया की गद्दी रांची का यह राजकुमार संभाल रहा था और आज जब वो विदा हो रहे हैं तो सौरभ गांगुली BCCI के बॉस हैं। धोनी को धोनी बनाने का श्रेय सौरभ गांगुली को जाता है। माही की खोज दादा ने की थी, रणजी के चरण से निखर कर रांची का यह लड़का टीम इंडिया तक पहुँचा, तो लेकिन अभी खुद को साबित करना शेष था। बांग्लादेश के खिलाफ 2004 में मैच में बल्ले और सिर्फ 22 गेंद निकले, मगर कप्तान गांगुली ने विश्वास बनाए रखा। भारतीय टीम ने पाकिस्तान के खिलाफ सीरीज के दूसरे मुकाबले पर नंबर 3 पर बल्लेबाजी के लिए महेंद्र सिंह धोनी को सौरभ गांगुली ने प्रमोट किया। फिर हुआ ऐसा कुछ जिससे दुनिया वाकिफ है, जिस कप्तान ने अपनी पोजीशन दांव पर लगा दी थी। बाद में उन्हें गांगुली के साथ धोनी ने विवाद की खबरें सामने आई, हालांकि सारी खबरें अफवाह साबित हुई। सौरभ गांगुली ने कई बार खुले मंच पर कहा कि तत्कालीन कोच ग्रेस चैपल ने उन्हें भारतीय टीम से बाहर किया है। अपनी आत्मकथाएं ए सेंचुरी इज नॉट इनफ में सौरभ गांगुली ने इनका जिक्र किया है। चैपल के कार्यकाल में न सिर्फ उन्हें कप्तानी गंवानी पड़ी बल्कि टीम से भी बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। चयनकर्ताओं का इशारा भी साफ था कि 100 से अधिक टेस्ट मैच खेल चुके सौरभ गांगुली को अब संन्यास लेना चाहिए था। क्रिकेट इतिहास गवाह है कि दादा ने न सिर्फ वापसी की बल्कि अपनी अंतरिम श्रृंखला में शानदार प्रदर्शन भी किया। 2008 में मोहाली के मैच में उन्होंने शतक जमाया और नागपुर में करीबी अंतर से जीते ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जारी टेस्ट मैच में कप्तान धोनी ने एक फैसला लिया जिससे दादा भी हैरान रह गए थे। मैच के आखिरी पलों में धोनी ने सौरभ गांगुली से टीम इंडिया की कप्तानी करने के लिए कहा। धोनी चाहते थे कि सौरभ गांगुली बतौर कप्तान ही विदा लें। धोनी के इस व्यवहार को मौजूदा BCCI अध्यक्ष आज भी याद करते हैं। इधर धोनी अपनी कप्तानी में टीम इंडिया को बुलंदियों पर पहुंचा रहे थे, तो उधर संन्यास के बाद दादा बतौर कमेंटेटर, एक्सपर्ट और क्रिकेट प्रशंसक खुद को भी नई चुनौती के लिए तैयार कर रहे थे। इस बीच मैदान पर माही का चौंकने वाला फैसला भी आया। कभी अचानक कप्तानी छोड़ देते थे तो कभी टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने का ऐलान कर देते थे। दोस्तों, साल 2015 से 2019 तक बंगाल क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष रहने के बाद सौरभ गांगुली ने उसी साल BCCI का अध्यक्ष पद संभाला, जब धोनी की कप्तानी में सौरभ गांगुली के साल 1992 में चले आ रहे 16 साल पुराने करियर पर एक विराम लग गया। तो अब माही ने भी इतने साल खेलकर गांगुली की अध्यक्षता वाली BCCI के सामने अपना त्याग पत्र सौंप दिया है। दोस्तों, धोनी के संन्यास को बोर्ड अध्यक्ष ने एक युग का अंत बताया है। गांगुली ने लिखा, वह देश और विश्व क्रिकेट के धुरंधर खेल हैं। खेल के छोटे प्रारूप और उनके नेतृत्व कौशल की तुलना करना नामुमकिन है। वह नैसर्गिक प्रतिभा के धनी है। अपने करियर के शुरुआती दौर में एक दिवसीय क्रिकेट की बल्लेबाजी में हर कोई प्रतिभावान था और हर अच्छी चीज का अंत होता है और यह पूरी तरह से शानदार रहा है। उन्होंने आने वाले विकेट कीपर के लिए मानक तय किए हैं। उन्हें मैदान पर विदा लेने पर कोई पछतावा नहीं होगा। एक उत्कृष्ट करियर और मैं उनके जीवन की शुभकामनाएं देता हूं। दोस्तों, साल 2007 से T20 विश्व कप जीत कर युवाओं के भीतर जोश भरने के लिए 28 साल बाद 2011 में एक दिवसीय विश्व कप दिलाकर सचिन तेंदुलकर का सपना पूरा करने के लिए और 2013 में चैंपियन ट्रॉफी कब्जा अंग्रेजों के उन्हें घर पर मात देने के लिए शुक्रिया कहा है। और साथ ही सौरभ गांगुली ने महेंद्र सिंह धोनी का धन्यवाद किया है। तो दोस्तों, आज की खबर में बस इतना ही। आज की यह खबर आपको कैसी लगी आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अगर आप महेंद्र सिंह धोनी को एक अच्छा खिलाड़ी मानते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, आज की अपडेट में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।